ये जो है ना ये रैंडमली इस तरह से रखना है, ऐसे नहीं रखना। Hi guys, what's up? आज कुछ poses करेंगे with classic dress के साथ। और classic dress में तीन type की pose best होता है, one leg up, leg cross and chin in hand। तो इसमें pose करोगे मस्त लगेगा और रूट पर बैठकर pose बिल्कुल भी मत करना। और क्लासिक ड्रेस में जो मेन पॉइंट है वो है कॉम्बिनेशन, मतलब मैचिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ दिन पहले मैं ये फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, अगर फॉलो करके रखे हो आपको पता होगा। तो इसमें जो ब्लैक शर्ट है एंड ब्लैक पैंट है दोनों यूनिफॉर्म की तरह लग रहा है, तो मैं इसको डिवाइड किया ब्राउन कलर की बेल्ट एंड शूज़ से। तो आप सेम इसी तरीके से मैचिंग करके पहन सकते हो। अगर आपके पास ब्लैक शर्ट है तो आप ब्लैक शूज़ ऐड कर सकते हो, स्नीकर होगा फिर भी चलेगा। और पैंट के बारे में बात करें तो आप वाइट, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रे कलर ऐड कर सकते हो। और जो एसेसरीज है वो ब्राउन या ब्लैक वॉच ऐड कर सकते हो और ब्रेसलेट। और जो कैमरा सेटिंग है वो आप डिस्प्ले पर शो कर रहा है, आप देख सकते हो। तो गाइस ज़्यादा टाइम उसने करते जल्दी से शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो इस जगह कुछ पॉज करके देखते हैं। और गाइस इधर फुल ट्रैफिक है तो गाड़ी की साउंड एंड कुछ बिल्डिंग पर काम चल रहा है जिस वजह से बहुत साउंड आ रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और गाइस इसमें जो पॉज होगा फर्स्ट क्या करेंगे, हर एक पॉज में लेग क्रॉस कर देंगे। तो आप देख सकते हो इसमें पहले इस तरह से होगा और इस तरह से लेग क्रॉस होगा। आपके रूट में इस टाइप की कुछ मिल जाता है, बहुत मस्त तरीके से पॉज कर सकते हो। रूट पर कर तो बेस्ट लगता है क्लासिक ड्रेस पर, तो ऐसे करेंगे। और इसमें जो लेग क्रॉस आप देख सकते हो और लुक्स इस तरह से होगा। और गाइस इस पॉज को आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस अपनी लेग को क्रॉस करना है एंड किसी भी चीज़ पर हाथ रख सकते हो, अगर है, अगर नहीं है तो इस तरह से आप क्लिक कर सकते हो। एक इस तरह से क्लिक करके देखते हैं कैसा लगता है। और गाइस आप देख सकते हो हर एक फोटो में डाउन एंगल से फोटो क्लिक कर रहा हो, तो आप चाहो तो डाउन एंगल से कर सकते हो। और आप एंगल आपके हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा करके देखना अगर आपको बेस्ट लगे। अभी जो नेक्स्ट करने वाला हूँ इस जगह, बैठने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं पॉज कर लेते। इस तरह से होगा और इसमें आप चाहो तो रैंडम कुछ भी कर सकते हो, मतलब आपका लुक्स एंड आपका बॉडी स्टॉप रखना है और आपका जो हैंड होगा वो आप कुछ भी कर सकते हो, पीछे रख सकते हो या ऐसे रख सकते हो या ऐसे रख सकते हो या ऐसे रख सकते हो। और इससे पहले आपको ये बात ध्यान रखना है, जो आपका शर्ट है इस तरह से खुल जाएगा आपका इज्जत बाहर आ जाएगा, तो पहले इसको ठीक कर लेना है। तो इस तरह से ठीक करना है, क्लासिक लुक्स बहुत मस्त लगना चाहिए ना। तो ऐसे करेंगे, करने के बाद सब ठीक ठाक कर लिया इस तरह से करेंगे, बहुत ही कूल लुक होगा। तो गाइस देख सकते हो बहुत ही मस्त लग रहा है, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो चलो ऐसे एक फोटो क्लिक करके देखता हूँ कैसा लगता है। और गाइस आप चाहो तो क्लासिक ड्रेस पर एक पतली सी इस टाइप की चेन डाल सकते हो, जो मैं ऑलरेडी देख सकते हो। और गाइस अभी जो पॉज करेंगे वो करेंगे रूट पर। आप चाहो तो रूट पर बिना कोई सपोर्ट वगैरह कुछ ऐसे कुछ नहीं चाहिए, आप बहुत ही मस्त तरीके से कर सकते हो। इस जगह करेंगे क्योंकि इस जगह एक बिल्डिंग है तो बैकग्राउंड पर रहेगा तो मस्त रहेगा, थोड़ा अलग फील आएगा। तो फोटो उस साइड से क्लिक करने वाला हूँ, आ रहा उस साइड जाओ। तो इधर बहुत ही बेसिक सी पॉज करूँगा, पीछे बिल्डिंग है तो मस्त लगेगा। तो पॉज होगा, आप चाहो तो ऐसे सिंपल इस तरह से कर सकते हो, पीछे आपका हैंड रखकर, आप चाहो तो पॉकेट रख सकते हो, इस टाइप से रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं थोड़ा क्रिएटिव करूँगा, आपका जो पैर होगा इस तरह से करना है, करने के बाद एक हैंड पॉकेट और दूसरा ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे होगा। और लुक्स मस्त रखना। तो गाइस नेक्स्ट इस जगह कुछ पॉजेस करके देखते हैं, मतलब ये जो जगह है ना, ये जो इतनी सी जगह देख सकते हो, देखेंगे कि कितना पॉज कर सकते हैं इतनी सी जगह पर।
तो फर्जा करेंगे आपको अगर ऐसे कुछ मिल जाए ना तो मस्त आप बहुत सारी पॉज कर सकते हो। पहले इस तरह से टिल होंगे, इस तरह से टिल होने के बाद ऐसे पॉज करेंगे, आपका शार्ट ध्यान रखना, और आपका जो हैंड होगा पॉकेट पे नहीं, इस साइड इस तरह से होगा, और आपका और एक हैंड ऐसे होगा, और थोड़ा टिल होना है इस तरह से, और जो पॉज होगा ऐसे होगा। आपका लुक्स पे ध्यान देना। तो गाइस अभी जो नेक्स्ट पॉज करेंगे वो करेंगे इस जगह एक फोटो में इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके रखा हो, अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखे हो तो आपको पता होगा, तो इस पर ऐसा कुछ आपको मिलता है तो आप बिन दस तरीके से ऐसे पॉज कर सकते हो, लेकिन इसमें एकदम सीधा लगोगे ना तो ऐसा फील नहीं आएगा, थोड़ा इस तरह से फटील होना है, होने के बाद आप इस तरह से कर सकते हो। इसका लुक्स बहुत ही मस्त रखना, इस साइड होगा ऐसे, और आप ये जो है ना ये रैंडमली इस तरह से रखना है, ऐसे नहीं रखना। तो अभी जो नेक्स्ट पोज करेंगे वो करेंगे इस तरह से, इस पर मंडी पर इस तरह से हाथ रखेंगे, रखने के बाद आप ऐसे रख सकते हो अपनी लेग को क्रॉस, और जितनी भी आप पोज देख सकते हो सारे के पोज में लेग क्रॉस है, हर एक पोज पर मैंने लेग क्रॉस किया, क्योंकि इस टाइप के अगर आपका ड्रेस हो तो लेग क्रॉस में मस्त होता है। तो इसमें पोज करेंगे ऐसे, ऐसे पोज होगा, और इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तो मैं ऐसे ही करूँगा। तो गाइस अभी जो लास्ट हमारा पोज होगा मस्त करेंगे, इस तरह से ऐसे पोज होगा, दोनों हैंड आपको छोड़ देना है, कहीं पर भी पकड़ना नहीं है, बस पैर के साथ साथ हैंड जो मूव होता है ना वैसे ही रखना है, ऐसे मूव हो रहा है ऐसे, तो ऐसे ही रखना है, और इस तरह से आपका पैर उठा लेना है, जिस टाइम फोटो क्लिक होगा नेक्स्ट जो पैर होगा उसके पीछे के साइड इस तरह से थोड़ा अप कर लेना है, तो ऐसे होगा। तो गाइस ये थे हमारे लास्ट पोज, आपको कौन सी अच्छी लगी आप कमेंट कर देना, और गाइस इस तरह से अगर आप पोज करो तो जो नेक्स्ट पैर होगा वो थोड़ा पीछे अप कर लेते हो, तो रियलिस्टिक जैसे फील आता है, रैंडम वाला फील आता है। और गाइस अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, तो मिलते हैं ऐसी और एक मस्त वीडियो में, तो आज के लिए बाय।